वेलकम टू माय स्टडी ब्लॉग। ये मेरा स्टडी टेबल है और मैं यहीं पढ़ता हूँ। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है और ये मेरा टेबल है, स्टडी टेबल, लैपटॉप है, बगल में पानी वाला बोतल है। तो मैं बताना चाहता हूँ, मेरा नाम आदित्य कुमार है और मैं एक नीट एस्पिरेंट हूँ। तो चलिए आज मैं अपना ब्लॉग शुरू करने जा रहा हूँ। तो उससे पहले, शुरू करने से पहले मैं आपको सब चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि मैं हम कितने क्या क्या रखे हैं। तो ये गाइज, ये देखिए, ये मेरा डेस्क ऑर्गेनाइज, इसमें हम अपना पेंसिल ये सब रखते हैं। और वो सामने मेरा PW का ये कैलेंडर था, ये मेरा लैपटॉप है, ऊपर पीरियोडिक टेबल था। चलिए गाइज मैं अपना यूट्यूब वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो मैं गाइज स्टार्टिंग से कर रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले आज मोल कल्सेप का सेकेंड लेक्चर करूँगा, क्योंकि मैं फ़र्स्ट लेक्चर कर लिया था, तो ये फर्स्ट लेक्चर है। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस, ये मेरा लेक्चर कंप्लीट हो गया है, देख ही सकते हैं आप, पूरा कंप्लीट हो गया है। तो मैं अच्छे से मैं सब कॉपी में बना लिया है, तो आप मेरा कॉपी देख सकते हैं गाइस। ये मेरा मूल कंसेप्ट का ये कॉपी है, इसमें पूरा एक थ्योरी लिखे हैं और दूसरे कॉपी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला है उसमें पूरा क्वेश्चन बनाए हैं। क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे होंगे कि आप लोग किया भैया दो कॉपी में क्यों बनाए हैं। मैं दो कॉपी इसलिए बनाया हूँ क्योंकि लास्ट टाइम आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, तो मैं शॉर्ट नोट्स बनाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं पहले से ही मैं एक कॉपी में पूरा थ्योरी लिख ले रहे हैं और पूरा थ्योरी लिख लिए हैं और दूसरा कॉपी में फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले रहे हैं। तो मेरा सेपरेट सेपरेट दोनों कॉपी हो जा रहा है, क्वेश्चन का भी और थ्योरी का भी। तो इससे मेरा ये हो जाएगा कि मुझे शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना पड़ेगा। मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे सब कुछ ऐसा हुआ, मैं एक नीट एस्पिरेंट हूँ। तो मैं नीट का तैयारी करने के लिए कोटा जाना चाहता था। तो ट्वेल्थ जब सभी सारे एग्जाम दे दिए, सारे एग्जाम देने के बाद जब कोटा जाने के टाइम आया, तो फिर मैंने अप्रैल में कोटा गया, क्योंकि अप्रैल में क्लास शुरू हो रहा था 17 अप्रैल से। तो जब मैं 17 अप्रैल को वहाँ पर 16 अप्रैल को पहुँच गया, तो 17 से क्लास जाना शुरू कर दिया, 17 से क्लास जाना शुरू कर दिया। क्लास जाने के बाद मेरा पढ़ाई स्टार्टिंग में मेरा अच्छा खासा चल रहा था, 12 आवर्स। तो मेरा पढ़ाई बहुत ही अच्छा चल रहा था, अबाउट 14 to 16 आवर मेरा सेल्फ स्टडी लेकर और क्लासेस लेकर मेरा 16 to 18 आवर्स तक हो जा रहा था। तो ऐसे ही चलता गया। टेस्ट में नंबर, फर्स्ट स्टार्टिंग टेस्ट में नंबर आया था 350। तो उस समय तो मेरा फर्स्ट ही एग्जाम था, क्योंकि नीट के बारे में जानते थे, टेस्ट नीट का जैसे नहीं दिए थे। तो फर्स्ट टेस्ट में आया 350। उसके बाद मेरा जो सेकेंड टेस्ट हुआ उसमें 450 आ गया। तो मेरा तो अच्छा ही जा रहा था टेस्ट। टेस्ट अच्छा जाने के बाद जब आया, जब मेरा टेस्ट अच्छा जा रहा था, अभी 540 पर आके एवरेज इतना आने लगा। फिर जब सितंबर का टाइम आया 9 सितंबर, उस टाइम मेरा डेंगू हुआ। तो डेंगू होने के बाद हमको पता नहीं था कि डेंगू हुआ है। तो जब टेस्टिंग करा कर डेंगू निकला, डेंगू निकलने के बाद हम तो सोचे कि घर जाएंगे तो मेरा पढ़ाई बर्बाद हो जाएगा। तो मैं कोटा में ही रहे, कोटा में ही मतलब दवाई खाए और इंसुलिन चढ़ाए थे। उसके बाद जब ये सब हो गया तो मेरा मतलब डेंगू ठीक नहीं हुआ। तो मैं जल्दी से मैं टिकट काट कर और मैं अपना पटना चला गया। फिर पटना जाने के बाद पता चला कि मेरा पूरा शरीर में ही इन्फेक्शन है। तो जब इन्फेक्शन हुआ तो मेरा ये सर्जरी हुआ गया। तो सर्जरी होने के बाद लमसम मेरा हाथ तो मतलब डैमेज हो गया था, क्योंकि यही हाथ में ऑपरेशन हुआ था, ये देख लीजिए, यही हाथ में ऑपरेशन हुआ था। हाथ में ऑपरेशन होने के बाद गई 1 मंथ मैं ICU में रहा। ICU में रहने के बाद जब हल्का सा फुल्का ठीक हुआ, मैं जनवरी तक आ गया, मतलब ठीक होते होते लंग्स में भी इन्फेक्शन हो गया था। तो ठीक होते होते मतलब जनवरी आ गया, लास्ट जनवरी। तो मैंने सोचा कि इस 3 महीना ऊपर के मैं नीट क्रैक कर सकता हूँ, बट ये गाइस होता नहीं है, क्योंकि 3 महीना में वही लोग गाइस क्रैक करते हैं नीट, जिनका पहले से 3rd ड्रॉप हो 4th ड्रॉप हो होता है, लेकिन वैसा नहीं होता गया। तो 99.999% नहीं कर पाते, वैसा ही कई स्टूडेंट जो होता है वो कर पाते हैं नीट क्रैक 3 महीना में 2 महीना। बस ये सब स्ट्रेटेजी है यूट्यूबर का, कि आप लोग बना के दे दें कि आइए 3 महीना में नीट क्रैक कर लीजिए। क्रैक वही कर पाता है गाइस जो पहले से सब कुछ पढ़ा हुआ है, तो उसको रिविजन करने के लिए आता है और वही क्रैक करता है। तो मैंने सोचा कि ऐसा तो नहीं, मैं 3 महीना बर्बाद तो नहीं कर सकता 1 शॉट देख के।
मैंने फिर स्टार्टिंग सोचा कि जब मैं अभी अभी से स्टार्ट करूँगा 2025 के नीट की तैयारी के लिए, मेरे दिसंबर तक मेरा सिलेबस खत्म हो जाएगा तो मैं सबसे आगे रहूँगा जो भी नीट एक्सपीरियंस होगा। तो मैं उसी का तैयारी कर रहा हूँ, अपने से कुछ वीडियो बनाए हैं, कितना लेक्चर है 2023 वाला जो PW का जो लेक्चर है, ये किन 2.0 का, उसी में से कितना लेक्चर है, कितना सर कितना चैप्टर कितना लेक्चर है, अपने सब सिलेबस का मैं सिलेबस निकाल कर अपने से खुद बनाकर उसका प्रिंट आउट निकलवाए हैं। तो भाई ये प्रिंट आउट है, ये केमिस्ट्री का हो गया, सभी चीज का मैं सभी चैप्टर का सभी सब्जेक्ट का मैंने ये प्रिंट आउट निकलवा लिया। तो उसी से पता करते हैं गाइस की कितना लेक्चर है, रखिए साइड में लिखा हुआ खुद नहीं दिख रहा होगा, तो हम ये निकलवा लिए थे। तो गाइस आप हम लोग आप मेरे साथ बने रहना चाहते हैं तो मैं गाइस रोज व्लॉग डालूंगा और डेली लाइव स्ट्रीमिंग रहेगा, मैं डेली प्लान दूंगा कि हाँ इतना खत्म करना है ताकि मैं दिसंबर तक ये पूरा मेरा सिलेबस 11-12 का सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। मतलब कितना चैप्टर का कितना टोटल लेक्चर है मैं सब प्रिंट आउट में लिख दिया हूँ, ये मैं ये अपना टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो गाइस जो भी टॉपर हैं या फिर जो 11th पूरा लिस्ट कर चुके हैं या फिर 12th में हैं जो कि 11th अच्छे से नहीं पढ़े, तो मैं गाइस स्टार्टिंग से ही शुरू कर रहा हूँ सब कुछ पढ़ना। जैसे कि आज मैंने पढ़ा ये मोल्कर साहब का पहले सेकंड लेक्चर था उसको मैंने पढ़ रहा था, तो स्टार्टिंग से ही मैं शुरू किया हूँ गाइस। तो आप लोग प्लीज मेरे साथ बने रहें और मैं अभी से ही स्टार्टिंग किया हूँ तो आप सब्सक्राइब करें और जो मैं डेली ब्लॉग और डेली जो मैं अपने टू डू लिस्ट में प्लान बनाऊंगा वो आपको आप लोग को भी बताऊंगा। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करना।